बेयर ग्रिल्स। ये वो रियल लाइफ हीरो है जिसने हम सबने बचपन में ऐसे ऐसे कारनामे करते हुए देखा है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। जो करने का हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते वो ये बंदा सच में करके दिखा देता था अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बदौलत। लेकिन क्या आपको पता है बेयर ग्रिल्स हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये बंदा जो फियरलेस और स्ट्रॉन्ग मैन की तरह दिखता है वो अंदर से कभी वीक, कमजोर, डरा हुआ, एंग्शियस और डिप्रेशन में रह चुका है। बेयर ग्रिल्स अपनी ऑटोबायोग्राफी मर्ड स्वेट एंड टीयर्स में लिखते हैं, डर आपको बाहर से सख्त दिखने पर मजबूर करता है लेकिन अंदर से आपको कमजोर और वीक बना देता है। बेयर ग्रिल्स को सबसे बड़ा डर था हाइट्स यानी ऊंचाई का, जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। लेकिन देखो ना, मिरेकल यह है कि कुछ साल बाद अपने शो के हर एपिसोड के स्टार्टिंग में ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से उतरते थे और बेयर ग्रिल्स यूके की स्पेशल फोर्सेज SAS का पार्ट रह चुके हैं, जहां उन्हें पैराशूटिंग का खूब एक्सपीरियंस था। वो कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके हैं। 21 साल के बेयर ग्रिल्स ने 1996 में जाम्बिया के एक मिशन के दौरान 16,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी, लेकिन इस बार उनका पैराशूट नहीं खुला। जैसे ही वो आसमान में कूदे, सही टाइम देख के उन्होंने पैराशूट को खोल दिया था, लेकिन फिर भी वो तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। जब उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि पैराशूट पूरी तरह नहीं खुला है। वो हड़बड़ी में पैराशूट के कॉर्ड्स खींचने लगे कि किसी तरह पैराशूट पूरी तरह खुल जाए। ये सब करते करते वो पेड़ों से टकराते हुए जमीन पे आ गिरे और एक झटके में अंधेरा छा गया। वो जमीन पे अपनी पीठ के बल गिरे थे और गिरते ही उन्हें भयानक दर्द महसूस हुआ। और बुरा तो ये हुआ कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो होश में थे। वो हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, बस वहीं लेटे लेटे जोर जोर से रो रहे थे। वो इस उम्मीद में थे कि उनके साथी उन्हें बचाने आते ही होंगे। दर्द इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन्हें सहन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस दर्द को झेलने से अच्छा तो मौत थी, लेकिन मौत भी नहीं मिल रही थी। वो कई देर तक वही दर्द में गिड़गिड़ाते रहे। जैसे ही उनके साथी उन्हें फौरन अफ्रीका के एक हॉस्पिटल में लेके गए, उन्हें याद है कि डॉक्टर ने उनकी पीठ में इंजेक्शन लगाया और धीरे धीरे उनका दर्द कम होने लगा। वो सोचने लगे कि वो ठीक हो रहे हैं। वो उठने की कोशिश करने लगे, तभी डॉक्टर ने उन्हें आके कहा कि वो अब चल नहीं सकते। ये सुन के यंग 21 साल के बेयर ग्रिल्स की जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। जब उन्होंने एक्सरे देखा तो उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनकी रीढ़ की 3 हड्डियां T8, T10 और T12 टूट चुकी थी। ये इंसान के पीठ की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं, जो एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। पहाड़ चढ़ने वाला नौजवान अब चल के बाथरूम तक नहीं जा सकता था। वो कहते हैं पैराशूट से गिर के इतनी हड्डियां तोड़ने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना एक साल हॉस्पिटल में रह के इन हड्डियों को जोड़ने में उन्हें सहन करना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए वो सोचते थे कि शायद अब वो कभी नहीं चल पाएंगे। उनकी जिंदगी जीने का रीजन, मीनिंग और पर्पज ही एडवेंचर था। घूमना, फिरना, नई जगह एक्सप्लोर करना, इस चोट ने उनसे उनके जीने की वजह ही छीन ली थी। ये सोच सोच के उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। एंग्जायटी से वो पसीने में लथपथ हो जाते थे, उनकी सांसें फूलने लगती थी। उन्हें हर रात बस अफसोस होता था, खुद पे दया आती थी, खुद से नफरत भी होती थी। 2 महीने बीत चुके थे पर उनकी सेहत में कोई सुधार आने के बजाय उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था और शरीर अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देख के वो और नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पे गुस्सा और रोना आता था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में और गहरे फिसलने लगे। जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें लगता था कि बेयर ग्रिल्स तो बहुत पॉजिटिव बंदा है, वो मेंटली बहुत टफ है, वो बहुत हिम्मत और पॉजिटिविटी के साथ इस परेशानी का सामना कर ही लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो 21 साल के थे और बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, वो क्या करेंगे। उनके सारे सपने खुद खत्म होते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे। आधी रात को अपने बेड पे लेटे लेटे उनकी नजर दूर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फोटो थी माउंट एवरेस्ट की। बचपन से बेयर ग्रिल्स और उनके फादर का ये सपना था कि वो एक दिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। उस फोटो फ्रेम पे धूल चढ़ी देख उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे उनके सपनों पर भी धूल चढ़ गई है, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस रात कोई उनके साथ नहीं था, वो अकेले थे। वो हिम्मत करके खड़े होते हैं और बैसाखियों के सहारे उस फोटो फ्रेम तक जाते हैं और धूल साफ करते हैं और बस यही सोचते सोचते सो जाते हैं कि कैसे वो अपने आप को जीने की हिम्मत दे सकते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बहुत गहराई से जम गई। इस बात ने उन्हें हौसला दिया और जीने की एक उम्मीद दी। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आई जो हमेशा कहती थी, बेयर बेटे लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने के और परेशान करने के बहाने ढूंढ लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो हमेशा खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देता। इस टाइम उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और इस सच को फील करा कि वो चाहते तो इस एक्सीडेंट में, इस इंजरी और चोट से मर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि वो जिंदा है इसका मतलब गॉड ने उनके लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है।
इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो गई कि उनकी लाइफ में आगे क्या होगा, क्या वो चल पाएंगे या नहीं, वापस स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे। उन्हें अब इन सब की फिक्र और चिंता ने सताना बंद कर दिया। जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो मन को शांति मिली, फिर उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी भी कम होने लगी। अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर करना शुरू कर दिया। माइंड स्ट्रांग हुआ तो बॉडी भी अपने आप हील होने लगी। उनके जख्म भरने लगे, हड्डियों के जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। उन्हें अपने सबसे करीबी दोस्त एड एमिस की एक बात याद आई, जिन्होंने एक बार बेयर ग्रिल्स से कहा था, अक्सर भगवान की बुलाहट में जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जीवन होता है, और इस इंजरी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अब मैं ऐसा ही हूँ जैसा एक नया बच्चा होता है, किसी चीज की कोई चिंता नहीं, ना अपने पास्ट की ना ही फ्यूचर की, बस ग्रेटफुल हूँ तो अपने प्रेजेंट के लिए। बेयर ग्रिल्स कहते हैं, जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहे। वो ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी हुई कमर के लिए, अपने सपनों के लिए। उन्होंने जाके उस माउंट एवरेस्ट की पिक्चर को हाथ में लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू के आऊंगा। उन्हें इस डिप्रेशन से किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा मदद करी तो वो था उनका लक्ष्य, उनका एम और गोल। उनके पास अब तक जीने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन उस हालत में जब वो चल नहीं पाते, उन्होंने खुद से ये वादा कर दिया कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे। जब वो अपने आसपास के लोगों से कहते कि वो ठीक होके माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं, तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल एकदम क्लियर था। अब उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना था। उनकी बॉडी और माइंड दोनों को एक गोल मिल गया था जिस पे वो मिलकर काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के तीसरे महीने के बाद दर्द कम होना शुरू हो गया। 8 महीने बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल में पूरी तरह वो ठीक हो गए, पर डॉक्टर्स ने उन्हें मना करा था कि वो स्पेशल फोर्सेज में वापस ट्रेनिंग नहीं कर सकते। कोई जॉब नहीं थी तो पैसा भी नहीं था, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें 25 लाख की जरूरत थी। जहां उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रेनिंग करी, उसके लिए इक्विपमेंट खरीदे थे, जिसके लिए उन्होंने करीब 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल्स लिखे, और सारी कंपनीज से वो रिजेक्ट हो गए। 250 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद भी वो नहीं रुके। बहुत लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगी। फिर SSAFA फोर्सेस हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस सपने को साकार करने में उनकी मदद करी। पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीने बाद 16 मई 1998 उन्होंने अपने बचपन के सपने को सच करा। उनकी माउंट एवरेस्ट चढ़ने की जर्नी अपने आप में ही अलग कहानी है। ये सफर इतना भी आसान नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी और उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस करा, जहां वो मरते मरते बचे। पर जैसे तैसे वो 23 साल की एज में माउंट एवरेस्ट की समिट तक पहुंचने वाले ब्रिटेन के यंगेस्ट पर्सन बन गए। इसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी। लोग उन्हें सेमिनार्स में एज ए स्पीकर इन्वाइट करने लगे। उनके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी, और फाइनली डिस्कवरी से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने उन्हें एक वर्ल्ड वाइड फेम दिया, जिसके बाद सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड से जानने लगे, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।